साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों आज अपन बात करेंगे, मेरे पास सडनली अभी ये जॉब आया है तो मैं सोचा चलो अभी शूट करके अभी डाल देता हूं। तो मैं शॉर्टली तरीके से जैसा था वैसे ये वीडियो शूट कर रहा हूं क्योंकि इसमें सिर्फ 2 दिन बचे हैं और ये वीडियो डालना इसलिए ज़रूरी हो जाता है साथियों कि बहुत सारे अनमेडिकल अनफिट लोग होते हैं जो विदेश किस रीज़न से नहीं जा पाते, बहुत सारे रीज़न हो जाते हैं या फिर बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है सर शटडाउन में जाना है, बहुत सारी प्रॉब्लम उनकी अलग अलग होती है। तो शटडाउन से रिलेटेड मेरे पास सबसे ज़्यादा कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं सर शटडाउन का जॉब बताओ। तो भाई देखिए, कतर से रिलेटेड ये शटडाउन का जॉब आया हुआ है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ओनली फॉर कंस्ट्रक्शन लाइन से रिलेटेड, इसमें टाइल बेसन और हेल्पर से रिलेटेड 2 कैटेगरी मांगी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीज़ा में इस इंटरव्यू में अप्लाई कर सकते हैं। कतर से रिलेटेड होगा, शटडाउन वीज़ा है। आपको मैं कुछ डिटेल आपको इसमें दे देता हूँ साथियों। ये क्लाइंट इंटरव्यू है, ये सीवी सिलेक्शन नहीं है, क्लाइंट इंटरव्यू है। 17/8/2019 यानी आज 13 तारीख हो रही है, कल 14, 15, 16 3 दिन बचे हैं आपके बीच में। 17 तारीख को 8वां महीना 2019। फिर मैं बता देता हूँ क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं कॉल करते हैं सर इंटरव्यू कब का है, जबकि मैं वीडियो में बता चुका होता हूँ फिर भी लोग कॉल कर लेते हैं, इसलिए बार बार बताना पड़ रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड है कतर से रिलेटेड शटडाउन वीज़ा में तो 17 तारीख का इंटरव्यू है, 17 अगस्त का 2019 को हमारे राजस्थान सीकर जिले में लक्ष्मगढ़ तहसील में होगी। एड्रेस मैं डाल दूंगा, मैन पावर के द्वारा ये काम होगा, आपको इंटरव्यू खुद को देना पड़ेगा। अगर आप पास हो जाते हो तो आपका वीज़ा इसमें आ जाएगा। ये कंपनी का नाम है ओकास बिल्डिंग ट्रेंडिंग कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी इन कतर, ठीक है साथियों। कंपनी का मैंने नाम बता दिया, 1 साल का शटडाउन वीज़ा रहेगा। इसमें कैटेगरी मांगी है टाइल मेसन, ओनली फॉर टाइल मेसन 1200 + 200 + ओवर टाइम, ठीक है। 8 घंटे ड्यूटी के 1400 रुपये आपको मिलेंगे, प्लस खाना इसी में है 1200 + 200 में, प्लस ओवर टाइम मिल जाएगा। मेरे हिसाब से ओवर टाइम करके आप 30,000 रुपये 35,000 तक कमा सकते हो इसमें, ठीक है। हेल्पर की बात करें, हेल्पर में 900 + 200 सैलरी इसमें है, हेल्पर 20-25,000 रुपये आराम से कमा लेगा ओवर टाइम करके, ठीक है साथियों। दोनों तरह के पासपोर्ट है, ECR ECNR दोनों पासपोर्ट चलेंगे, एक्सेप्टेड हैं, ठीक है। उम्र की बात करें 20 साल से 40 साल तक के ही अप्लाई करें, अगर एज ओवर हो गए तो इसमें नहीं चलेंगे, ठीक है साथियों। इंपॉर्टेंट बात यह है साथियों, मेडिकल अनफिट भी चल जाएगा। अगर बहुत सारे लोगों की ये समस्या होती है कि मेडिकल अनफिट होते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। तो आपका भी फर्ज बनता है ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाओ जो मेडिकल अनफिट हैं, विदेश जाना चाहते हैं जॉब से रिलेटेड, तो उन लोगों के पास ये मैसेज पहुंचाओ ताकि वो भी इसमें अप्लाई कर सके, मेडिकल अनफिट इसमें चल जाएगा। इंटरव्यू सेंटर का पता मैं एड्रेस में डाल दूंगा, मैन पावर में काम होगा, नंबर डाल दूंगा, उनसे बात कर लें सुबह 10 बजे से शाम को लास्ट 6-7 बजे तक। उसके बाद भैया कॉल न करें, लोग रात को 11 बजे लग जाते हैं यार, मैन पावर आदमी दिन में सोता भी होगा, दिन में इतने सारे कॉल अटेंड करना। नंबर डाल रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो इसमें आप अप्लाई करें। वीज़ा महीने भर 15-20 दिन या महीने भर में बंदा फ्लाइट, आपको पता है शटडाउन वीज़ा तुरंत आता है, टिकट भी तुरंत आती है, तो तुरंत काम हो जाएगा। बाकी इंक्वायरी आपको लेना है, नंबर छोड़ रहा हूँ, हमारे राजस्थान में सीकर डिस्ट्रिक्ट में लक्ष्मगढ़ तहसील है, एड्रेस डाल दूंगा। जिस भाई को आना है कॉल करके, ये ऑफिस का नंबर दे रहा हूँ मैं, उनको कॉल करके डायरेक्ट इंटरव्यू पे पहुंचे और उनसे सिलेक्शन होने के बाद पासपोर्ट फोटो वगैरह वो साथ में लेके आपको आनी होगी और इंटरव्यू आप इसमें दे सकते हैं, महीने भर में काम हो जाएगा, ठीक है साथियों। मैंने शॉर्टली तरीके से वीडियो बनाया है खास तौर से मेडिकल अनफिट वालों के लिए जिनको जल्दी जाना है, ठीक है, उनके लिए, और जिनको शॉर्ट वीज़ा के लिए जाना होता है 12-6 महीने वीज़ा के लिए, तो कतर से रिलेटेड है, आप इसमें ज़रूर अपना भाग्य आजमा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें साथियों, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन का जो बटन उसको प्रेस कर लें ताकि नई जानकारी नई हर जैसे मैं डालूं आपके पास अपडेट सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है साथियों। और भैया कमेंट नहीं करना यार, बाल झड़ रहे से इसलिए कटवा लिए, ठीक है साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।